बारिश के बावजूद 10 मिनट में शुरू हो जाएगा T20 मैच। जाने कैसे भारत और न्यूजीलैंड के बीच तिरुवनंतपुरम में होने वाले तीसरे T20 मैच में बारिश मुश्किल पैदा कर सकती है। इस मैच के लिए तैयारी तो पूरी कर ली गई है, लेकिन बारिश परेशानी का सबब बन सकती है। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें तीसरे और निर्णायक मुकाबले में आमने सामने होंगी। इस बीच मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि यहां रुक रुक कर बारिश हो सकती है। केरल क्रिकेट संघ के सचिव जयेश जॉर्ज ने बताया कि इस स्टेडियम की ड्रेनेज सुविधा कमाल की है। यह मैच राज्य में पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा जो ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैदान 2015 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह का मेजबान था। जॉर्ज ने कहा, सुपर सोपर्स और अन्य सुविधाएं सभी दुरुस्त हैं। अगर मैच के दौरान बारिश होती है तो बारिश के रुकने के 10 मिनट बाद मैदान मैच के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। राज्य की राजधानी लगभग 3 दशक बाद किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी कर रही है। इससे पहले 1988 में विवियन रिचर्ड्स के नेतृत्व वाली वेस्ट इंडीज की टीम ने यहां 25 जनवरी को यूनिवर्सिटी स्टेडियम में भारत के खिलाफ मैच खेला था। मैदान में दर्शकों की क्षमता तकरीबन 50,000 है। पुलिस विभाग के IG मनोज अब्राहम ने कहा कि सुरक्षा के इंतजाम पूरी तरह से पुख्ता है। अब्राहम ने कहा, मैदान के अंदर सिर्फ मोबाइल फोन ले जाने की मंजूरी है। मैच को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।